Do I know? Our phone is totally tapped. Not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving. Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people. Their dictatorship is too much. And do you know, I cannot talk to Chidambaram ji because my phone will be tapped. Sometimes if I wish, I cannot talk to Sarad Pawar ji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? What Pegasus? Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money for spying, beating, killing, and talking too much, doing nothing. মনে রাখবেন, পেগাসাসের নাম করে আপনার আমার সবার ফোন ট্যাপ। আপনি বাড়িতে কখন ঘুমোচ্ছেন সেটাও ফোনে দেখা যাবে। আপনি কি খাচ্ছেন সেটাও দেখা যাবে। আপনার ব্রেনটাও স্ক্যান করে নিচ্ছে। মানুষকে ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম 2 মাসে 47 বার বেড়েছে। পেট্রোল প্রাইস, ডিজেল প্রাইস, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস 3.7 লাখ কোটি। Government of India collected 3.7 lakh crores from the public pocket. And where they are spending this money? The people are not getting even vaccine, medicine. Where is the PM Care Fund? Who is taking care for that? And now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. Dekho, hum pura isko plaster kar diya. क्या करेगा, फोन रख के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं, तो फेस टाइम में भी करते हैं, तो वीडियो में भी करते हैं। तो मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश को बर्बाद ही हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, क्यों कहू के विश्वास करते पाचे ना। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, योर मिनिस्टर्स, देयर फोन इज ऑल्सो ब्लॉक्ड। स्पाईगिरी चल रहा है। मिनिस्टर फोन पेगासस ढुके गेछे। ऑफिसरदेर फोन पेगासस कैप्चर्ड। ऑल लीडर्स फोन पेगासस कैप्चर्ड। ऑल जजेस फोन, मैक्सिमम जजेस फोन इज ऑल्सो कैप्चर्ड। नाउ गणतंत्रे तीनटे इम्पोर्टेंट जिनिस आछे। डेमोक्रेसी, if we love our democracy, our founding father, they strong our democracy, and India is one of the largest democracy in the world. But now, because of this government of India, the BJP party, they bulldoze the democracy. They have finished the federal structure. They have finished the democratic rights. 3 main pillar in democracy. One is election means democracy. 2, media. And 3 is judiciary. Instead of taking care of COVID, second COVID, you came as a Delhi passenger every day in Bengal to destroy everything, to destroy the democratic structure and everything. आपने क्या सोचा था कि आप पेगासस लिया है? आपका पास बहुत मनी पावर है, आपका पास मसल पावर है, इसी के लिए जो भी मर्जी बंगाल को जोर जबरदस्ती आप कैप्चर करेंगे। लेकिन बंगाल का जनता समझ दिया आपको कि देखो ऐसा नहीं है। बंगाल हर दफे, चाहे आजादी हो, चाहे हर तरह मूवमेंट हो, जैसा पंजाब ने लड़ाई किया, बंगाल ने लड़ाई किया, महाराष्ट्र ने लड़ाई किया, हर स्टेट ने लड़ाई किया, ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। आज बंगाल दिखा दिया। आज हर स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हर लीडर लोगों को, जाइए आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फ्रंट बनाइए, और एक फ्रंट से अभी से प्लानिंग कीजिए। अगर आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर, कुछ नहीं होता। अगर डिजीज होने का साथ साथ में आप डिजीज को रुकने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ठीक से, तो पेशेंट अच्छा हो जा सकते हैं। तो अभी आपका टाइम है,
जितना दिन आप पोस्ट करोगे इतना दिन ही नष्ट होगा। नेक्स्ट वीक में आम भी दिल्ली में जाने वाला हो दो तीन दिन के लिए, कि पार्लियामेंट जब चलते हैं सबको साथ भेंट होता है, इसी के लिए हम बराबर करते हैं। दो साल से मैंने भी नहीं जा पाया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट द इम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर्स। अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आपको उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 27, 28, 29, ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक व्हाट वेयर द कंट्री इज गोइंग ऑन। तृणमूल कांग्रेस कर्मीदेर पार्टी, कर्मीराई आमादेर सबचेये बड़ सम्पद। আমি আজকে কনগ্রাচুলেট করতে চাই আমার বুথ ওয়ার্কারদের আর সাধারণ মানুষদের আর আমার মা বোনেদের। আমি নির্বাচনের সময় দেখেছি বিজেপি যত অত্যাচার করেছে, আমার মা বোনেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন, মা বোনেরা আমার মিটিংয়ে এসেছেন, আমার হুইল চেয়ারে করে আমার মিটিং করতে হয়েছে, কিন্তু আমার মা বোনেরা থেকে শুরু করে তপশিলি আদিবাসী সংখ্যালঘু আমার সমস্ত ভাই বোনেরা, কিষাণ থেকে শুরু করে শ্রমিকরা সবাই মিলে সাথ দিয়েছেন, তাই আমরা এত ভোটে জিতেছি। আপনাদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ, আমরা চির নত স্বরে আপনাদের শিরে আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, সালাম জানাচ্ছি। আজকে পবিত্র ঈদ মুবারক আপনাদের, আপ লোক সবকো ঈদ মুবারক হে, আচ্ছা রয়ে খোদা আপ লোক আচ্ছা রাখে, আপকো সবকো আচ্ছা রাখে, সব হর ধর্ম হর বর্ণ হর কমিউনিটি মিলকে एक साथ में हम यूनाइटेड इंडिया करने चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है। त्यागो का त्याग के नाम होते हिंदू, त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़वार जन्य बूथ कर्मीरा जेमन आमादेर इलेक्शने काज करेछेन, छेड़े दिले चलबे ना, खेला होबे, खेला एकटा होयेछे, पाँचई मेजर रेजल्ट आपनारा पेयेछेन, खेला आबार होबे। जतदिन बीजेपी के भारतवर्ष थेके विताड़ित आमरा ना करते पारी, ततदिन राज्ये राज्ये खेला होबे, अपर एवरी बूथे खेला होबे, समस्त जायगाय खेला होबे। आर ओयेस्ट बेंगल खेला दिवस আমরা একটা তৈরি করব, 16ই আগস্ট খেলা দিবস হিসেবে পালিত করব বেঙ্গলে, এবং সেদিন আমরা সবাইকে বলবো খেলা দিবস হিসেবে যে যেখানে আছেন আমরা যেখানে যেখানে পারব কিছু ফুটবল দেব গ্রামের গরিব ছেলে মেয়েদের, যারা এইসব নিয়ে খেলাধুলা করবে, নানা রকমভাবে খেলাধুলা করবে। খেলা ছাড়া জীবন গড়ে ওঠে না, খেলা সভ্যতা সুস্থ সংস্কৃতি মানবিকতার মনে রাখবেন, মাথায় রাখবেন। আজ আমরা আজাদি খাতরা মে হ্যাঁ, आजादी को बीजेपी लोगों ने खतरे में डाला है, और बीजेपी का सिंडिकेट आज देश को इतना खतरा में डाला है कि आज मिनिस्टर को, उनका खुद मिनिस्टर को भी विश्वास नहीं करते हैं। कोई ओपोजिशन पार्टी को तो भूल जाइए, सबको तंग करते हैं, सबको घर में एजेंसी भेज देता है, हर तरह सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करता है। और योगी तो ऐसा बड़ा नेता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जिसने नेशनल सॉन्ग नेशनल अंतिम जिसने लिखा है, सॉरी नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र ने लिखा था, वंदे मातरम नेशनल अंतिम इंडिया बांग्लादेश का लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ का ठाकुर का नाम भी एजुकेशन सिलेबस से निकाल दिया है, यही तो उसका काम है। कोई कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है, मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस आप देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गए, शुद्ध गोली चलाओ, हम सबको मर्डर कर दो, यही तो पॉलिटिक्स चलते, गोली और गुली और गाली पॉलिटिक्स चलते, यही भावे देश चलते पारे ना। फोन कैप्चर করছে, করে আবার বলছে যা করেছি ঠিক করেছি। মাই হাম্বল রিগার্ডস টু আওয়ার অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট, উইল বি এভরিবডি হ্যাভ এ গ্রেট রেসপেক্ট ফর ইউ, কান্ট ইউ টেক এ
Suomoto cognizance, sir. I appeal to my Supreme Court judges. Can't you take a Suomoto cognizance when judges' phones are tapped, all political parties' phones are tapped, cloning fully, phone have become the recorder. If you take your phone and talk to your house wife even inside the room, that is also recorded. Everything is recorded. Sir, either एक सुओमोटो केस आपने मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट है हमारे साथ बात करते हैं उसका भी हुआ, आप लोगों ने भी बात करते हैं बहुत सारे लोगों को हुआ, वो तो रंजन गोगोई का केस आप देखा आया, ऐसे हर सारा हर केस है। जुडिशियरी को टच करने सब डरते हैं, इसी के लिए सब नाम सब फोन नहीं दे सकता है, लेकिन दे तो दिया, ऐसा ही हुआ। इसी के लिए आज लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो जुडिशियरी बचा सकता है, अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो देश का जनता ने बचा सकता है, अगर लोकतंत्र को बचा सकता है तो वी द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया वी मस्ट कम फॉरवर्ड, वी मस्ट कम टुगेदर, नहीं तो जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। मैं फिर भी आपको कहने चाहूंगी, प्राइसेस द्रव्य मूल्य कत बेड़े गए, प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, इकोनॉमी इज इन ए बैड शेप, इंडस्ट्री इज जस्ट डिक्लाइनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, माइग्रेंट वर्कर्स जस्ट क्राइंग, वुमेन एंड चाइल्ड चिल्ड्रेन यू साउट मोस्ट इन बेंगल, मदर ऑफ थीप्स आर साउट मोस्ट, चोर की माए जोर से बोले। और देखिए यूपी का हाल, उन्नाव से लेकर हाथरस तक क्या नहीं हुआ, बड़ा बड़ा बात करते हैं आप। आज भी किसान लोग 7-8 महीना से बैठे है, उसको बात सुनने के लिए भी कोई नहीं है, क्यों वो 3 बिल ले आएगा किसका लिए, धनबान खजाना भरेगा और किसान रोड़ों का रास्ता कभी शहीद होगा, इसी के लिए वो 3 बिल आज भी आप लोगों ने विथड्रॉ नहीं किया। अभी भी मैंने सुना बहुत सारे बिल आप अमेंडमेंट करने चाहते हैं, बहुत सारे बिल आप ले आने चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी टोटल बुलडोज हो जाएगा, क्यों ऐसा करते हैं। बीजेपी माथा है शुद्ध मगधे मरुभूमि, मगधे मरुभूमि छाड़ा और किछु नहीं, ओरा मानव अधिकार काके बोले जाने ना, ओरा मानविक काके बोले तारा जाने ना, शुद्ध फोन स्टैप कर ले स्पाइकी कर ले सब किछु है ना, शुद्ध एजेंसी देर कन्ट्रैक्टर हुए छे, ऑल एजेंसी कन्ट्रैक्टर हुए छे। आज के ताई हमको पता नहीं है, सेकेंड वेव तो गया अभी भी चल रहा है, थर्ड वेव क्या होगा पता नहीं है, कोई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्लान ही नहीं किया है अभी तक, कोई प्लान ही नहीं किया, प्लान कैसे करेगा। हमारा इधर में 14 करोड़ वैक्सीन का, हमारा वैक्सीनेशन का जरूरत है, हमको खाली 2.12 करोड़ दिया और नहीं दिया, हम 60 करोड़ से बाजार से जितना मिला हम खरीदा 18 लाख, हमारा अपना पैसा से स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन बाजार में भी हम नहीं खरीद सकते है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता है। तो इसी के लिए आज ये परिस्थिति में हमारा देश में अगर 1 मिलियन 130 मिलियन पीपुल है तो ऐसे ऐसे करके वैक्सीन देने से कितना साल लगेगा, कितना साल लगेगा, इसका बाद कोरोना जाएगा तो और एक कुछ आएगा और कुछ वायरल लोड आ जाएगा, इसी के लिए देश का परिस्थिति बहुत खराब है। मोदी जी बुरा ना माने, हम आपको पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों हमको ये आदत नहीं है, पॉलिटिक्स में एक काटीसी तो होना चाहिए, ये सब काम आप लोगों का पार्टी करते हैं हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बात याद कीजिए, जितना टाइम आप और अमित शाह मिलके, मेरे को पता नहीं है आपका सब पता है कि नहीं है ना, खाली अमित शाह ही करते हैं, मेरे को पता नहीं है कि आपने क्या करते हैं, आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मरते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए इसमें आप कभी किसी को साथ सलाह परामर्श तो भी नहीं करते हैं, कभी आप नहीं करते हैं। जितना भी नीचा में गिरना संभव, इतना भी नीचे में आप गिरा तब भी आपको फायदा नहीं मिला। बंगाल में
बंगाल का जनता आपको नहीं दिया। आमी कृतज्ञ सारा देशेर मानुष बांगलार दिके ताकिये छिलो, पुरो हिंदुस्तान सारा पृथिवीर मानुष बांगलार दिके ताकिये छिलो, तादेरो आमरा प्रणाम जानाई, आमादेर सालाम जानाई, आमादेर अभिनंदन जानाई आजकेर दिने बांगलार मानुषेर साथे साथे। आई अलवेज बिलिव दैट पीपल अफ बेंगल उड वान्स अगेन गिव अस अनदर अपरचुनिटी टू सार्व देम एज दे वांट डेवलपमेंट एंड तृणमूल कांग्रेस इज द आइडल अफ डेवलपमेंट। गुड गवर्नेंस हैज नो अल्टरनेटिव, पीपुल वांट डेवलपमेंट, पीपुल वांट प्रॉस्पेरिटी, पीपुल वांट हार्मोनी, यूनिटी एंड सॉलिडारिटी, एंड यू वांट ओनली वायलेंस, यू वांट ओनली डिस्ट्रक्शन, यू ओनली वांट द बायस पॉलिटिक्स, यू ओनली वांट द डिविशन ऑफ द सोसाइटी, यू ओनली वांट द कन्फ्यूशन, यू ओनली वांट द कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन नैरो सेक्टरियल लाइंस। वी डोंट वांट दैट। We are from Bengal, land of the soil of Rabindranath Tagore, where Rabindranath Tagore said, "Where the mind is without fear and the head is held high." From that land, we survive. It is a land of Vivekananda. India is a land of Mahatma Gandhi, land of Netaji Subhash Chandra Bose, land of Pandit Jawaharlal Nehru, land of Rajendra Prasad Ji, Dr. Radhakrishnan Ji, APJ Kalam ji, Guru Bhagat Singh ji, this land of every son of this soil is a very important land. We care to the specific needs of each and every state of the society, women, children, aged, SC, ST, OBC, minority, students, farmers, workers, laborers, hawkers, everyone, but you care only your party. That also you want to bulldoze others to save the party. That is not safe. I believe India needs this model of poor people governance. India needs development. India needs unity. India needs integrity. India needs good performance of the economy, of the industry, of the chambers, of the kishans, of the farmers, of the unemployed youth, for the women and child, for the Dalit, for the ST, for the minorities. India needs all these. This is the main way to work. But you have nothing to do. You have only to do the job. Whoever is doing the work for the people, you want to disturb them so that they should not do anything. In our state, we give free ration. How many states you give the free ration? Mr. Prime Minister, don't disturb us. Give free ration to throughout the country. It will be our promise to the people. If our forum means our front, if it has been decided and if they come to power, we are ready to give free ration to all the individuals in this country. We give the free ration in Bengal. We give full free treatment to the people. It is not Ayushman, only few people. We give Shastra Sati to every family, 5 lakh rupees in every day, in every month, every year, sorry, in every individual family, 5 lakhs, and government hospital, total free treatment. We gave 10 lakhs smart card, the credit card for the students, for their hostel fees, for their education care, for their tutor for their this laptop to everyone. We give all this. We have decided to give the women, for women empowerment, for scheduled caste, scheduled tribe, 1,000 rupees every woman in Shastra Sati, as per Shastra card, Sati data card. And SC, ST will give 1,000, and in general women will give 500 rupees per month to empowerment of the women. We give Konyashri. Konyashri became number one in United Nations, the first prize they won because of the public award function. Now we are giving kishans. Chashider amra 10,000 taka kore dite shuru korechi. Jiska pas ek ekar bhi land hai, hum 10,000 rupiya deta hai usko. आज जिसका पीस एक कठा भी है उसको भी 4,000 रुपया मिलता है।
एक किसान का मर जाने का बाद हम उसको 2 लाख रुपया देता है, पूरा किसान का जमीन का म्यूटेशन फीस पूरा फ्री है, उसका जो क्रॉप इंश्योरेंस है हम पूरा स्टेट से देता है, किसान का 1 पैसा भी नहीं देने पड़ता है, पूरा फ्री है। इट्स ए मॉडल, बंगाल इज द मॉडल, गुजरात इज नॉट योर मॉडल, गुजरात इज ए मॉडल ऑफ यू नो बेटर देन मी व्हाट यू हैव डन एंड दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी प्रोग्राम। इवन अगर कोई आदमी को डेथ हो जाता है तो हम 2000 रुपया देता है उसको क्रिमेशन के लिए। इवन वी हैव सो मेनी अदर प्रोग्राम ऑल्सो, जिसको शादी में शादी होने का पैसा चाहते हैं, अपनारा जानें रूपश्री आज 25,000 टाका, अपनारा जानें माटिर शास्ती सृष्टि आज, खाद्य साथी आज, फ्री ट्रिटमेंट आज, कृषक बंधु आज, सबुज श्री आज, रूपश्री आज, सामाजिक सुरक्षा आज, समबैतरी समव्यथी आज, बैतरणी आज, आनंदधारा आज, दुआरे सरकार आज, पाड़ाए पाड़ाए समाधान आज, सब प्रोग्राम आमादेर काछे आछे। आमरा जनगणर जो क्या करी तई द सेंट्रल लीडर्स उल बी हैपी टू नो दैट टैक्स रेविन्यू द आवर बजेट इज फॉर टैक्स रेविन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेट प्लान एक्सपेंडिचर, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, किसी एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, फिजिकल सेक्टर एक्सपेंडिचर, वी आर 3%, डबल परसेंट 3%, वी हैव इंक्रीज्ड। And when we came in, our revenue earning was only 21,000 crores. Now, instead of so much debt, Chidambaram ji knows better than anybody else. We have earned now so more than 75,000 crores. So, Bengal is earning. Even e-governance, we are number one. E-tendering, we are number one. Skill industry, we are number one. Small scale industry, we are number one. 100 দিনের কাজ, উই আর নাম্বার ওয়ান। দেয়ার আর সো মেনি থিংস, দেয়ার আর সো মেনি নিউ এয়ারপোর্টস কেম, সো মেনি নিউ রোডস, ওয়াটার, এভরিথিং ইজ কামিং। অ্যান্ড আওয়ার বিলো দ্য পভার্টি ইন ইন্ডিয়া 40% লেস ইন বেঙ্গল। ইফ ইউ কম্পেয়ার থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি, উই হ্যাভ ডিক্রিজড আওয়ার পভার্টি। দারিদ্র সীমার নিচে 40% বাংলা, মনে রাখবেন 40% দারিদ্রতা কমিয়ে দিয়েছে। এটা আমি বাংলার সকল মানুষকে, আমার সকল অফিসার থেকে শুরু করে, আমার বাংলার সরকার থেকে শুরু করে, আমি সকলকে আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। মনে রাখবেন আজ পুরা দেশ মে হতাশা, আনএমপ্লয়মেন্ট, ইকোনমিক ক্রাইসিস, হরিবল টর্চার, আনস্টেবিলিটি, জেসা চল রা ভায়োলেন্স, ইসকো फेंक के हम लोगों ने एक नया रोशनी ले आनी चाहते हैं। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत काम से होता है मोदी जी, मन का बात कहने से नहीं। मन का बात अगर जनता के लिए काम पे हो तो जरूर इसको कहना चाहिए, लेकिन मन का बात अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खाली ज्ञान देने के लिए हो तो लेसन हम लोगों को बहुत मिल गया, और लेसन का हम लोग को जरूरत नहीं है। Allow our students to read properly. Allow our youth to get the job. Allow our women to live respectfully. Allow our Dalit class, the minorities and others to get their proper respect. Allow the political parties to get their proper respect. Nothing is there. इसी के लिए मैं ये बात जरूर आपको कहने चाहूंगी कि 21 जुलाई हम हर साल करते हैं। ये साल में भी हमने सोचा था कि बहुत बड़ा करके करेंगे, कम से कम 50 लोग तो आएंगे, लेकिन कोविड के कारण में, पैंडेमिक के कारण में हमको वर्चुअल करने पड़ा। आपनारा जरा वर्चुअल सुनछेन, विभिन्न ब्लॉके ब्लॉके, विभिन्न बूथे बूथे, विभिन्न जिले जिले, विभिन्न राज्य राज्य, आसाम त्रिपुरा थेके शुरू करे सर्वत्र, दिल्ली थेके शुरू करे उत्तर प्रदेश पर्यन्त, আপনাদের সকলকে আমি অনেক অভিনন্দন, অনেক প্রণাম, অনেক সালাম জানাই। আমি আমারা তৃণমূল কংগ্রেস কা আন্দোলন বিকর্ণ হ্যায় কি নেই হ্যায়, আন্দোলন করতে হবে। পেট্রোলের দাম বেড়েছে কি কয় কেন, ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন, ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম বাড়ছে কেন, মানুষের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে,
কেউ চিন্তা করবার নেই, প্রতিদিন যখনই সময় পাবেন আধ ঘন্টা করে মিছিল করবেন, যে সময়টা মানুষকে ডিস্টার্ব করবেন না। পেট্রোলের দাম বাড়লো কেন জবাব চাই, জবাব দাও। ডিজেলের দাম বাড়লো কেন, গ্যাসের দাম বাড়লো কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। কোভিড ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না কেন, জবাব চাও, জবাব দাও। পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর না বিশ্বাস, পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর না বিশ্বাস। পেগাসাস হটাও দেশ বাঁচাও, পেগাসাস হটাও, স্পাইং হটাও দেশ বাঁচাও। আর অল দ্য লিডার্স আর প্রেজেন্ট দেয়ার, মে আই রিকোয়েস্ট ইউ প্লিজ টেক স্ট্রং অ্যাকশন ইন এভরি স্টেট। উই হ্যাভ টু টেক সাম পলিটিক্যাল মুভমেন্ট অলসো। ইসকো হোয়াইট আমাদের যে হোয়াইট গেট কে স্ক্যান্ডেল যে হুয়া থা, ওই স্ক্যান্ডেল সে ভি এ বড়া স্ক্যান্ডেল হ্যায়। এস স্ক্যান্ডেল কো ছোড়না নেই, এস স্ক্যান্ডেল কো ভুলনা নেই, এস স্ক্যান্ডেল কো আব আগার ছোড় দেঙ্গে। শরদ পাওয়ার আপকো ছোড়া, চিদম্বরম জি আপকো ছোড়া, কিসি কো নেই ছোড়া, কিসি কো নেই ছোড়েঙ্গে। হামারা পার্টি কো তো হর রোজ ডিস্টার্ব কর রহা হ্যায়, এভরিডে, ইচ এন্ড এভরিডে। চুনাও কো পেহলে হাম এক মিটিং কিয়া, হামারা সাথ ফোন থা, লেকিন হামকো বৈঠ কে মিটিং কিয়া, হাম পিকে অভিষেক, ক্যা কিয়া ও লোগোনে পুরা রেকর্ডিং করকে লিয়া, মিটিং মে ক্যা বোলা ও ভি অডিও থা, ভিডিও কা বাত নেই থা, জাস্ট অডিওবল থা, পুছিয়ে ও পেগাসাস মে পুরা রেকর্ডিং করকে লে লিয়া, কি পুরা হাম মিটিং মে ক্যা চর্চা কিয়া। আগার এসে আপ ইলেকশন লড়োগে তো ক্যা সোচতা হ্যায় কি জিন্দগি ভর আপকো এসে ইলেকশন লড়েগা আর এসে জনতা নে আপকো ভোট দে দেঙ্গে। এতনা সুবিস্তার বাত নেই হ্যায়, এত সোজা নয়, মনে রাখবেন। আই রেসপেক্ট ইচ এন্ড এভরি পলিটিক্যাল পার্টি, ইভেন আই উইল অ্যাপিল অল দ্য সিভিক সোসাইটি পিপুল অলসো, অল দ্য স্টুডেন্টস কমিউনিটি, অল দ্য কলেজ, অল দ্য এডুকেশন সোসাইটি, কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড টেক এ বোল্ড স্টেপ অ্যান্ড ফাইট দ্য ব্যাটল এগেনস্ট বিজেপি অ্যান্ড লেট আস বি ইউনাইটেড অ্যান্ড লেট আস ইউনাইটেডলি স্ট্রাগল অ্যান্ড আই বিলিভ স্ট্রাগল হ্যাজ নো এক্সিস্টেন্স, উইদাউট স্ট্রাগল নো এক্সিস্টেন্স, স্ট্রাগল ইজ আওয়ার লাইফ, স্ট্রাগল উইল বি সাকসেস ওয়ান ডে ইফ ইউ আর ইউনাইটেড, ইফ ইউ আর টুগেদার।